नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजुअल क्लास यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लास्ट अगस्त करंट वीडियो का, यानी 31 अगस्त करंट वीडियो का। तो फटाफट वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर, और चैनल पे नए हैं तो नीचे रेड बटन के साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, किसी वीडियो को आप मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे 889 नंबर करंट वीडियो को क्वेश्चन 1 के साथ। क्वेश्चन 1 है, विच हॉकी प्लेयर हैज़ बीन कन्फर्म्ड द बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड बाय द उड़ीसा गवर्नमेंट। जो उड़ीसा सरकार है उसको द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल जो पुरस्कार है वो दिया जाएगा। तो किसे दिया गया है? वो दिया गया अमित रोहिदास को। किसको दिया गया? अमित रोहिदास, जो कि हॉकी प्लेयर हैं, इंडिया की तरफ से खेलते हैं और टीम के डिफेंडर हैं। उनको जो है खेल में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित जो है बीजू पटनायक खेल पुरस्कार से सम्मानित किया है उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के रोही दास को राज्य के खेल और युवा सेवा मंत्री टीके बेहड़ा ने जो है पुरस्कार दिया। उन्हें प्रस्तुति पत्र और 2 लाख रुपए का जो है नगद पुरस्कार इसके दिया गया। रिवीजन करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि किसे दिल्ली सरकार द्वारा देश के मैटर्स कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो है सोनू सूद को। किस मंत्रालय ने नए वाहनों के लिए नया पंजीकरण चिन्ह, यानी जो भारत श्रृंखला है BX सीरीज, उसको लॉन्च किया? तो किसने किया? वो किया सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। वर्ष 2021 में मदर टेरेसा की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 111वीं। किस मंत्रालय ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया? तो वो किया है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। महिला अधिकारिता पर पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस राज्य, यानी किस शहर में आयोजित किया गया? तो है इटली में। और स्मृति ईरानी ने हमारी भारत की ओर से जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। किस मंत्रालय ने QSIM क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट है लॉन्च की? तो किसने की? वो कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले साथियों के लिए हम लेके आए हैं सारथी ऐप, और इस सारथी ऐप में आपको क्या मिलती है? सभी सब्जेक्ट की डेरोक क्विज मिलती है, वीडियो सोल्यूशन मिलता है, PDF फाइल मिलती है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो फटाफट सारथी ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक आपको दे रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, और फटाफट डाउनलोड करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर भी कर दें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तमिलनाडु गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो तमिलनाडु के राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित, उनको किस राज्य का अतिरिक्त राज्यपाल का जो है प्रभार दिया गया? तो वो दिया गया पंजाब राज्य का। कौन से राज्य का? पंजाब जो है राज्य का जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया राज्यपाल का तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को, और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का भी अतिरिक्त भार सौंपा गया है। इससे पहले PV Singh बंदनौर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक थे। बयान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति ने तमिलनाडु के राज्यपाल को पंजाब का जो है राज्यपाल का कार्यभार संभालने की जो है नियुक्त किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइड टू अडॉप्ट रेसलिंग स्पोर्ट्स बाय द ईयर 2032। किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को 2032 तक जो है के लिए गोद लिया है? तो किसने लिया है गोद लिया है? वो लिया है, उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार है, उसने जो है कुश्ती को जो है 2032 तक के लिए जो है गोद लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहलवानों के समर्थन और बुनियादी ढांचों के लिए जो है 2032 ओलंपिक तक जो है 170 करोड़ रुपए का निवेश किए जाने की उम्मीद की है। WFI के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि उन्होंने उड़ीसा सरकार की हॉकी खेल को समर्थन देने के कदम से प्रेरणा लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने खेल के लिए इसी तरह की मदद की गुंजाइश की थी। नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। राष्ट्रीय खेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हॉकी के जादूगर के से प्रसिद्ध भारत के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस का आयोजन खेलों को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। द
नेवीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री कंडक्ट ए जॉइंट एक्सरसाइज इन द गल्फ ऑफ एडन ऑन 26 अगस्त 2021। भारत और किस देश की नौसेनाओं ने 26 अगस्त 2021 को अदन की खाड़ी में एक संयुक्त राष्ट्र स्वरिष्य एक संयुक्त अभ्यास किया? तो क्या भारत और जर्मनी की जो है सेनाओं ने जो एक संयुक्त अभ्यास किया अदन की खाड़ी के अंदर। संयुक्त अभ्यास में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के साथ साथ खोज और जब्ती अभियान शामिल थे। भारतीय नौसेना के फ्रिगेट त्रिकंद ने बायर्न नामक जर्मन फ्रिगेट के साथ अभ्यास किया। आईएनएस सिकंद को अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी गश्त के लिए तैनात किया गया है। देखते हैं आज का सवाल और जिसका आपको सही आंसर देना है नीचे कमेंट के द्वारा। सही आंसर देने वाले विजेताओं के नाम दिए जाएंगे अगली वीडियो में। क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द इंडिया साइज प्रोजेक्ट? जो किस मंत्रालय है उसने इंडिया साइज है उस नाम से परियोजना शुरू की है। तो किस मंत्रालय ने किया? ऑप्शन आपके सामने, रक्षा मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। फटाफट आंसर देंगे नीचे कमेंट के द्वारा। सही आंसर देने वाले जो सभी विजेता होंगे उन विजेताओं के नाम देंगे अगले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6, विच मेडल डिड इंडिया अवनी लखेरा विन इन द फाइनल मैच ऑफ द वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल एट द टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की अवनी लखेरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर फाइनल मैच में कौन सा पदक जीता है? तो वह स्वर्ण पदक। सही आंसर क्या होगा? स्वर्ण पदक जीता है उन्होंने अवनी लखेरा ने पैरा ओलंपिक के अंदर जो है 10 मीटर एयर राइफल के अंदर जो है स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने अब तक टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक जीते हैं। अवनी लखेरा का जन्म 8 नवंबर 2021 को राजस्थान के जयपुर में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, टिल व्हाट डेट हैज द डेकोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन एक्सटेंडेड द सस्पेंशन ऑफ शेड्यूल इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट ड्यू टू द कोरोना वायरस पैंडेमिक? नागर विमानन महानिदेशालय ने कोरोना वायरस महामारी के कारण निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के निलंबन को कितने तारीख तक बढ़ा दिया है? तो कितने तारीख तक उनको बढ़ा दिया है उसके निलंबन को नागर विमान महानिदेशालय ने कोरोना वायरस के कारण, तो उसको है 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। DGCA ने कहा है कि हालांकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयनित मार्गों पर जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है, कोरोना वायरस महामारी के चलते भारत में अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान सेवाएं 23 मार्च 2020 से ही स्थगित है। लेकिन वंदे मातरम मिशन जो है मई 2020 से लेकर जुलाई 2020 से चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था के तहत जो है विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित हो रही हैं। देखते हैं आज की मोटिवेशन लाइन है कि आपका भविष्य इस बात से बनता है कि आप आज क्या करते हैं कल नहीं। इस बात से आपका भविष्य बनता है कि आप आज क्या कर रहे हैं प्रेजेंट में, ना कि आप कल क्या कर रहे थे। देखते हैं पिछले वीडियो का सही आंसर और सही आंसर देने वाले विजेता के नाम। हु टुक ओवर द चेयरमैन ऑफ स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड ऑन अगस्त 26 अगस्त 2021 को स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो वह मनसुख मंडाविया ने, और जिन्होंने सही आंसर दिया उनके नाम है चन्माया नायक, सीमू लोहदी। और आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करें वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, किसी वीडियो को आप मिस ना करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक आपने सारथी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट इस सारथी ऐप को डाउनलोड कर लें, जिसकी लिंक आपको दे रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। और इसके अंदर आपको मिलती है सभी सब्जेक्ट की डेरो क्विज, वीडियो सॉल्यूशन और PDF फाइल, वो भी बिल्कुल फ्री में है। तो फटाफट डाउनलोड करें सारथी ऐप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद, जय भारत।